डियर स्टूडेंट्स, ये मेरे पास क्वेश्चन पेपर है एमएससी थर्ड सेमेस्टर का 2022-23 का, और यूनिवर्सिटी हमारी इसमें है श्री देव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय का। बॉटनी सब्जेक्ट है एमएससी थर्ड सेमेस्टर, और पेपर का जो नाम है वो हमारा है प्लांट इकोलॉजी एंड रिमोट सेंसिंग। इसमें इंस्ट्रक्शन दे रखी है, अटैम्प्ट एनी 4 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड एनी 4 फ्रॉम सेक्शन बी। सेक्शन ए में हमारे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं। जो हमारे ईयरली सिस्टम के स्टूडेंट होते हैं वो भी इसमें से अपने क्वेश्चंस देख सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन हमारे वही रहते हैं, पैटर्न और पेपर का पेपर पैटर्न, और ये यूनिवर्सिटी और सिलेबस के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। जैसे सेक्शन ए शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, फर्स्ट है राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी 4 ऑफ द फॉलोइंग, बायोस्फीयर रिजर्व, प्राइमरी एंड सेकेंड सक्सेशन, फायर एज फॉरेस्ट मैनेजमेंट टूल, फिर IBI, फिफ्थ है कार्बन, सिक्स्थ स्पेस प्लेटफॉर्म्स, फिर इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, एट्थ है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस हैं, मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रही हूँ स्टूडेंट, आप इसमें से साथ साथ भी इनको नोट कर सकते हैं। नाइन्थ है व्हाट इज पॉपुलेशन डिफरेंशिएशन, डिस्क्राइब वेरियस व्यूज विद एग्जांपल्स। टेंथ, डिस्कस द वेरियस प्रोसेस ऑफ इकोलॉजी सक्सेशन। 11th, discuss the effect of water pollution on plants and ecosystem with suitable examples. ये जो है long answer type question है, तो ये आपको detail में लिखना है। फिर 12th question, डिस्कस इन डिटेल द ऑर्डिनेशन एंड कॉन्टीन्यूम कंसेप्ट। 14th, गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑफ रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन इन इकोलॉजी। 15th, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, एक्सप्लेन द रोल ऑफ बायोडाइवर्सिटी इन इकोसिस्टम functions and stability. 16th और last question है ये, define the following. एक जो है तीन नंबर का बैठेगा, डिटेल में बताना है स्टूडेंट। फर्स्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, एग्जिस्टन इकोटोन, रेफ्रोस्टेशन, फोटो इंटरप्रिटेशन। इस क्वेश्चन पेपर में इतना ही है स्टूडेंट, बॉटनी मेरा सब्जेक्ट नहीं है, फिर भी अगर किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उसको सॉल्यूशन प्रोवाइड कराने की कोशिश करूँगी। आई एम डॉक्टर शशि त्यागी, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।